नमस्कार दोस्तों, रियलमी जी टू स्मार्टफोन है। इस फ़ोन पर अभी डिस्काउंट काफ़ी अच्छे लेवल का मिल रहा है और डिस्काउंट करने के बाद आप इस फ़ोन को काफ़ी कम प्राइसिंग में बाई कर सकते हो। तो किस टाइप से डिस्काउंट है और कैसे इसे काफ़ी कम प्राइसिंग में बाई करना है, आज किस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे इंटरव्यू देखिए, तभी आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। देखिए, रियलमी जी टू स्मार्टफोन काफ़ी अच्छे लेवल का स्मार्टफोन है। स्पेसिफिकेशन जो भी है वो काफ़ी तगड़ा है। अभी इस फोन का किया गया है प्राइसिंग ड्रॉप और ड्रॉप करने के बाद जिस प्राइसिंग में ये फ़ोन आता है उस प्राइसिंग में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख पाओगे इस फोन का फर्स्ट लुक देखने में काफ़ी इम्प्रेसिव है और कलर भी काफ़ी इम्प्रेसिव है, आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम बात करें कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फोन में दिया गया 6.62 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले में दिया गया 120Hz का रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले यहाँ पर फ्लैट है, लेकिन जो स्पेसिफिकेशन है डिस्प्ले का वो काफी तगड़ा है। उसके बाद इस फोन में दिया गया 50MP का AI ट्रिपल कैमरा पीछे की तरफ से, जहाँ पर 50MP का मेन कैमरा है, फिर है 8MP का अल्ट्रा वाइड, फिर दिया गया 2MP का माइक्रो कैमरा और फ्रंट में दिया गया 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आता है साइड टिनी पंच होल के साथ। और इस फोन में लगा हुआ मिलेगा आपको स्नैपड्रैगन का 888 जो कि काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है और जिस प्राइसिंग में यह फोन आता है उस प्राइसिंग में स्नैपड्रैगन 888 काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इसमें दिया गया है LPDDR5 का रैम और UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। उसके बाद इस फोन में आपको लगा हुआ मिलेगा 5000mAh का बैटरी जो कि आता है 67W चार्जर सपोर्ट के साथ और ये चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। अदर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस फोन में दिया गया है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, हेडफोन जैक नहीं दिया गया है और देखने को मिलेगा डुअल स्टीरियो स्पीकर और कलर यहाँ पर काफ़ी इम्प्रेसिव है। कलर जो भी है उसे आप यहाँ पर देख पाओगे। अगर हम बात करें प्राइसिंग किस तरीके से है, तो इस फोन का अभी प्राइसिंग किया गया है ड्रॉप। यहाँ पर जो 8128 का वेरियंट है इसका प्राइसिंग रखा गया है 28000, आप यहाँ पर देख पाओगे। मतलब इस फोन का प्राइसिंग ही ड्रॉप कर दिया गया है। उसके बाद कुछ डिस्काउंट है, जैसे कि आप यहां पर देख पाओगे अभी दिखा रहा है कि आपको मिलेगा 1400 रुपये का डिस्काउंट। मतलब यहां पर जो 1400 रुपये का डिस्काउंट है ये एक तरह से कैशबैक है, मतलब इंस्टेंट में आपको नहीं मिलेगा, कैशबैक के थ्रू आपको मिलता हुआ दिखेगा। मतलब एक मंथ के अंदर में आपको आ जाएगा 1400 रुपये कैशबैक के तौर पर। अगर आप फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो इंस्टेंट में आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, इंस्टेंट में आपको पेमेंट करना होगा 28000 और महीने भर के अंतर्गत में आ सकता है 1400 रुपये तक का कैशबैक। मतलब 1400 या फिर इससे कम आपको आ सकता है कैशबैक के थ्रू और ये सब तभी होगा जब आप बाई की जगह फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से। तो अगर हम बात करें कि आपको ये फोन बाई करना चाहिए फिर नहीं, तो ये फोन काफी अच्छा है और स्नैपड्रैगन 888 इस प्राइसिंग में काफी अच्छा हो सकता है। अगर आप इस फोन को लेकर इंटरेस्टेड हो तो आप बाई कर सकते हो। धन्यवाद।